राजपूताना कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास जीएससी पार्ट वन पेपर चल रहा था पूरा, एब्स्ट्रैक्ट कह दिया और उसके अंदर भी टॉपिक क्या था, ग्रुप। अपन ने कब ग्रुप में पढ़ा था, ग्रुप की प्रॉपर्टी अभी नहीं पढ़ी। उससे पहले बीजीय पद्धति, द्विचर संक्रिया एवं द्विआधारी संक्रिया। आप देखो इसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप पॉइंट। देखो अभी अपन ने पढ़ा था द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया क्या होती है कि कोई भी दो चरों के मध्य, कोई भी दो चरों के मध्य लगने वाली संक्रिया। जैसे अपने पास कोई भी चर हो सकते हैं ए बी सी डी, इनके बीच में गुणन संक्रिया, प्लस की संक्रिया, योज्य मॉडुलो, गुणन मॉडुलो, ये सभी क्या होते हैं अपने पास द्विचर संक्रिया। तो देखो इसकी डेफिनेशन, यदि जी एक डायरेक्ट समुच्चय है, जी एक डायरेक्ट समुच्चय है वह स्टार इसमें एक द्विचर संक्रिया है, तब जी स्टार एक ग्रुपोइड कहलाता है। देखो क्या लिख रखे हैं, यदि जी एक डायरेक्ट समुच्चय है तथा स्टार इसमें क्या है द्विचर संक्रिया, तब जी स्टार एक ग्रुपोइड कहलाता है। यदि तो जी स्टार क्या कर रहे हैं इसमें ग्रुपोइड। आप देखो एग्जांपल, एन प्लस आर प्लस, ये नोट भी लिख सकते हो या जैक डॉट ये सभी ग्रुपोइड। देखो क्या दे रखा है, जी एक डायरेक्ट समुच्चय तो स्टार इसमें एक द्विचर संक्रिया है, अब जी स्टार एक ग्रुपोइड कहलाता है। एन प्लस आर प्लस जेड प्लस, ये देखो क्या है, एन तो क्या है नेचुरल नंबर्स का सेट, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और प्लस क्या दे रखी इसमें एक द्विचर संक्रिया। ऐसे ही आर क्या है रियल नंबर्स का सेट, और प्लस क्या है द्विचर संक्रिया। और इसी प्रकार
कि जहां भी अपने पास n प्लस ये ग्रुपोइड कहलाएगा। यहां पर किसकी बात हो गई, स्टार के ऊर्जा उसमें एक द्विचर संक्रिय है, मतलब n इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास 1 2 3 4 डैश डैश कि n में से कोई भी दो अवयव ले, जैसे अपन ने क्या लेंगे 1 2 बिलोंग टू n, तो प्लस वाले संक्रिय है तो 1 प्लस 2 ये भी किसके अंदर बिलोंग करेगा n, अतः n में से कोई भी अवयव ले दो अवयव और उनका योग करें तो वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगा n में, इसी प्रकार r में से कोई भी अवयव ले और उन दोनों का योग ले तो वो भी किसमें जाएगा n में, इसी प्रकार z में से कोई भी z प्लस भी ग्रुपोइड है, यदि z पूर्णांकों का कोई भी समुच्चय लिया हो और उसमें से कोई भी दो पूर्णांक ले और उनका गुणन करें तो वो भी किसमें मिलेंगे अपने को z में, तो इस प्रकार क्या कहलाता है, यदि g कोई भी एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई ना कोई अवयव विद्यमान होना चाहिए और स्टार एक द्विचर संक्रिय है तो g स्टार एक ग्रुपोइड कहलाता है। नेक्स्ट देखो, उस पर एक क्या है द्विचर संक्रिय जी एक आयत समुच्चय दे रखा है तथा स्टार उस पर क्या है द्विचर संक्रिय ओ तथा जी में एक तत्समक आवर इस प्रकार विद्यमान होंगे ए स्टार ई बराबर ए इक्वल टू बी स्टार ए और जी स्टार एक लूप कहलाता है। देखो क्या डेफिनेशन है हमारे पास, यदि जी एक डायरेक्ट समुच्चय हो और स्टार उस पर एक द्विचर संक्रिय हो तथा जी में एक तत्व का अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट इस प्रकार विद्यमान हो कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और ई स्टार ए और ज्यादा प्रत्येक ए किसके अंदर बिलोंग कर रहा है जी एक ही जगह क्या हो सकता है कोई भी अवयव हो सकता है। आप देखो अपना एग्जाम्पल लेते हैं, जेड डॉट एक लूप है जबकि एन प्लस एग्जाम्पल भी हो गया और इनके डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि जी जेड डॉट जेड के साथ क्या है डॉट
ये देखो ये दे रखा है जेड डॉट एक लूप है जबकि एन प्लस एक लूप नहीं है। जेड क्या होता है? पूर्णांकों का समुच्चय। एज कॉल टू क्या होता है अपने पास? माइनस फाइव और थ्री माइनस टू माइनस टू फोर जीरो वन टू थ्री फोर। माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक के सभी पूर्णांक और डॉट क्या है उसमें? द्विज संख्या। तो अभी अपने को क्या दे रखा है? आइडेंटिटी एलिमेंट इस प्रकार से विद्यमान हो उसमें कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और इज इक्वल टू ई स्टार ए। यहां से देखो गुणन संख्या है semi group
देखो वो सेम ग्रुप में भी अपने पास मात्रक संख्या सेम रहेगी। यदि जी ए एक डायरेक्ट समुच्चय है तथा स्टार उसमें क्या हो द्विचर संख्या तथा स्टार। अब अभी लूप में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो द्विचर संक्रिया है वो किसका पालन करे एक आइडेंटिटी एलिमेंट इस प्रकार से विद्यमान ए स्टार इज इक्वल टू बी स्टार ए। इसी प्रकार अपने पास सेमी ग्रुप में एक जी एक पैरेंट समुच्चय तथा स्टार उसमें एक द्विचर संक्रिया है तब उसमें एक क्या करे स्टार संक्रिया साचर्यता के नियम का पालन करे। यदि स्टार संक्रिया उसमें क्या करे साचर्यता के नियम का पालन करे है तो वो जो ग्रुप है या जी स्टार वो एक क्या कहलाएगा सेमी ग्रुप। और साचर्यता के नियम अभी पहले बता दिया था यदि कोई भी तीन हो गया अपने पास ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू तो इसको क्या कहते हैं ए स्टार बी स्टार सी। तो लिखो डेफिनेशन माना जी एक ऐसे समुच्चय है स्टार एक द्विचर संक्रिया है तथा स्टार द्विचर संक्रिया साचर्यता को बोलते हैं ऐसा सही के नियम का पालन करें तो जी स्टार क्या कहलाएगा एक सेमी ग्रुप में कहलाएगा। तो जी स्टार एक सेमी ग्रुप कहलाएगा। अब देखो कोई क्या होती है पास संक्रिया ए स्टार बी स्टार सी क्या अपन क्या देखे जिनमें से कोई तीन अवयव देखे इक्वल टू क्या होना चाहिए अपने पास ए स्टार बी ए बी सी बिलोंग टू जी बिलोंग से प्रत्येक ए बी सी किसमें बिलोंग करने चाहिए जी में से। अब इसके लिए देखो एग्जांपल एंड एक सेमी ग्रुप है जबकि जेड माइनस नहीं। इसके अलावा भी है परंतु अपन देखो एग्जांपल लेके समझते हैं जी ए कैरेक्टर समुच्चय है स्टार उसमें एक द्विचर संक्रिया है तथा स्टार द्विचर संक्रिया क्या करेगा साचर्यता के नियम का पालन करती है तो जो जी स्टार है वो एक क्या कहलाएगा सेमी ग्रुप। जैसे अपने पास क्या दे रखा है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी इक्वल स्टार सी एन प्लस और एन नोड। देखो यहां समझाते हैं एन वो एक नेचुरल नंबर कहां से शुरू
बी की जगह तीन, सी की जगह चार, ए इक्वल टू क्या था आपके पास, ए स्टार बी स्टार सी, ए की जगह दो प्लस क्या देगा तीन और ए क्या देगा प्लस चार, बताओ क्या देगा सात प्लस दो नौ और ये क्या है पांच प्लस चार, बताओ दोनों क्या है इक्वल है, आता है प्लस क्या है द्विचर संख्या और एक सेमी ग्रुप एम प्लस सेमी ग्रुप है और यहां पर स्टार क्या है द्विचर संख्या। इधर देखो दूसरा कह लिया था अपन एन को, एन क्या था अपने पास वो वन टू थ्री फोर, ए की जगह वन क्या करेगा टू, बी की जगह थ्री, सी की जगह फोर, टू डॉट थ्री डॉट फोर इज इक्वल टू ये क्या है टू डॉट थ्री डॉट फोर ये क्या है चौबीस और यहाँ से छो चौबीस, इसका मतलब क्या हो गया एन डॉट में क्या है सेमी ग्रुप, क्योंकि यहाँ से भी क्या आ रही है इक्वल आ रही है ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है ए स्टार बी स्टार सी। आप देखो थर्ड कंडीशन अपन ने क्या लिखा था कि जब एन प्लस और एन डॉट एक सेमी ग्रुप है जबकि जेड माइनस नहीं, जेड क्या होता है पूर्णांकों का समुच्चय जिसके अंदर माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक के सभी क्या आते हैं पॉजिटिव वो सभी पूर्णांक। तो देखो अपन क्या ले रहे हैं जेड माइनस ए इज इक्वल टू अपन ने ले लिए, बी इज इक्वल टू ले लिए, थ्री सी इज इक्वल टू क्या ले लिया फोर, यही हमें ले लिया क्योंकि ये सभी किसमें विद्यमान है जेड में विद्यमान है, संक्रिय कह रहे हैं माइनस। तो देखो टू माइनस क्या ले लिया अपने थ्री माइनस फोर और ये देखो इज इक्वल टू टू माइनस थ्री ये क्या ले लिया माइनस। अब देखो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं बोर्ड मास नियम से पहले क्या सॉल्व होगा आपके पास कोष्टक टू माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस का मान और ये क्या हो जाएगा आपके पास टू माइनस माइनस प्लस प्लस का क्या आ जाएगा थ्री इसको याद रखना प्लस का क्या आएगा थ्री इक्वल यहाँ से देखो टू और माइनस थ्री करेंगे तो क्या आएगा माइनस का वन और ये क्या है माइनस का फोर माइनस का वन और माइनस का फोर क्या आ गया माइनस का फाइव बताओ थ्री और माइनस का फाइव ये इक्वल टू देखिए थ्री कभी माइनस पांच के बराबर हो सकता है नहीं ये क्या है नॉट इक्वल टू आता है जेड माइनस एक सेमी ग्रुप है नहीं। पढ़ने द्विचल संख्या पढ़ी उसके बाद ग्रुपोइड पढ़ा उसके बाद ग्रुप उसके बाद सेमी ग्रुप और उसके बाद पढ़ेंगे मोनोइड मोनोइड इसके भी बोलते हैं जीए एरिक समुच्चय माना कि जीए एरिक समुच्चय है तथा स्टार
उसमें क्या है द्विबीजक संकरियां हो तब ज्येष्ठा संक्रिया एक तो क्या करे साचरियता के नंबर का पालन करे जी एक समुच्चय तथा स्टार्स में द्विचक संक्रिया हो तब स्टार संक्रिया यदि साचरियता के गुणधर्म का पालन करें वह जी में एक तात्स्वत अवयव विद्यमान हो तो जी स्टार एक मोनोइड कहलाता है। देखो वो डेफिनेशन है जो सेमी ग्रुप की थी, बस उसमें क्या ऐड हो गया, यहां तक तो क्या थी यदि जी एक डायरेक्ट समुच्चय हो स्टार उसमें एक द्विचक संक्रिया हो तब यदि स्टार संक्रिया क्या करे साचरियता के गुणधर्म का पालन करे। यहां तक सेमी ग्रुप की यदि उसमें क्या जोड़ते कि जी एक में क्या हो तत्समक अवयव जैसे भी पीछे पढ़ा था अपन ने किसकी डेफिनेशन में लूप में ए स्टार ए इक्वल टू ई स्टार ए विद्यमान हो तो जी स्टार क्या कहलाता है एक मोनोइड कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन सेकंड ले सकते हैं यदि एक सेमी ग्रुप में यदि जी स्टार ए क्या हो सेमी ग्रुप हो अथवा करके लिख सकते यदि जी स्टार एक सेमी ग्रुप हो तथा जी में एक तत्सम अवयव विद्यमान हो जी स्टार एक मोनोइड कहलाता है। तब जी स्टार क्या कहलाएगा मोनोइड। इसके लिए क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं y n प्लस वैसे क्या था अभी हमने देख लिया था कि n प्लस क्या था साचरी का गुणधर्म का पालन कर रहा है प्लस लूप में पढ़ा था क्या n प्लस संक्रिया के लिए क्या है इसमें तो इसके एग्जाम्पल